आपको तो मैं थोड़े दिनों में ढीला कर दूंगी। आपको तो मैं थोड़े दिनों में ढीला करूंगी आलसी आंटी। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? सर में दर्द है। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सर दबा देती हूँ, उसके बाद सामान लेने चली जाऊंगी, है ना? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? मैं ऐसा करती हूँ, आपका सर दबा देती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद सामान ले आऊंगी। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बस सोचने लगूंगी, तू जा। ठीक है मम्मी जी। जाने लगी? बैग उठाया। अरे काजल, जी भैया। ये भैया सामने आया। अब काजल बाजार जा रही हो ना, प्लीज ये एक शेविंग जेल भी ले आना, ये कोने वाली दुकान में मिल जाएगी। जी भैया। वियो सारा खानदान आलसी है। एक सेकंड सर। हाँ। सर मैंने स्लिप लिया था, खोल के देखा था। हाँ। रोलिंग रोलिंग सर। रोलिंग एक्शन। अरे काजल बाजार जा रही हो? जी भैया। प्लीज मेरे लिए ना एक शेविंग जेल लेके आना, और यही कोने वाली दुकान पे मिलेगी, ये लो। पसंद नहीं आया ये चीज, फिर भी ली, और मैंने ढंग से ली, दिखाया नहीं, और एक वीडियो गया तुम्हारा। सारा खानदान आलसी है, खुद तो कुछ करने को दिल नहीं करता। जी भैया जरूर। बैग उठाया। मतलब चलूँगा? हाँ सॉरी सॉरी वन मोर। रुक, एक्शन। इसका मतलब काजल जो कुछ भी बात करेगी आपको सब पता चलेगा? हाँ, मैंने कॉर्डलेस ऑडियो कैप्चर डिवाइस लगाया है वहाँ। अरे वाह, सर ट्राई कर लो। वन मोर शुरू से। दद्दू ऑडियो कैप्चर डिवाइस लगाया है। अरे वाह, अब तो बोलो। नो प्रॉब्लम, ऐड टू द कॉन्टैक्ट करो सर, कॉन्टैक्ट करो। मैडम ऐसे थोड़ी ना आप हमारे प्यार में पागल हो गए थे। सुनो, ऑडियो सिग्नल आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अच्छा सुनो, ऑडियो सिग्नल आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। इसका मतलब काजल जो भी बात करेगी आपको सब पता चलेगा? हाँ, मैंने कॉर्डलेस ऑडियो कैप्चर सिस्टम लगाया वहाँ। अरे वाह, आप तो बड़ी स्मार्ट निकले। कैप्चर डिवाइस वहाँ पे लगाया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह।
थोड़ी ना आप हमारे प्यार में पागल हो गए थे। अच्छा सुनो, ऑडियो सिग्नल बता रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। जी जी। हमें हमेशा से पता था कि ये अजय काजल से मिला हुआ है। क्या तुम जानते हो ये अजय काजल से मिला हुआ है या काजल के साथ मिला? काजल से मिला हुआ, काजल के साथ लिखा हुआ जो मैंने वही बोला। ठीक, काजल के साथ। हाँ, काजल के साथ। हाँ ठीक है। अजय और काजल एक दूसरे जहाँ तक हम जानते हैं कि अजय और काजल एक दूसरे से प्यार करते थे, और आज जो कुछ भी हो रहा है ना, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, शाम को काजल का पीछा करते हैं, सब पता चल जाएगा। नहीं, शाम को तुम अकेले नहीं जाओगे, काजल के पीछे वो बहुत खतरनाक है, मैं नहीं चाहता तुम उसके साथ। पर रजत, ठीक है, मैं लूंगी ये पतिदेव वाला लाइन ना, थोड़ा जल्दी दो, मैं हमारा बर्थडे याद था? कि हमारा सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा हमारा तो ये लाइन से ना, मैं
सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। आप हमें हमारा एक बर्थडे गिफ्ट दे ही सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे काजल को एक्सपोज करने के लिए मैंने और अनु ने कुछ प्लानिंग की है, उसके हिसाब से मुझे उस पर नज़र रखनी है। सो शी इज़ गोइंग आउट समवेयर और उसके पीछे से मैं उस पर जासूसी करने का प्लान बना रहा हूँ। तो क्या आज दिक्कत हो रही है आपको जरा भी शॉट लेने में? आज नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं हो रही है, तो बस क्या अलग चालू है अभी शास्त्री सिस्टम और आगे क्या देखने मिलेगा? आगे बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। अभी एक दो वीक तो ये काजल का ट्रैक जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें ओपन होंगी। अनु, रजत, देवयानी, नील, देखते हैं सब लोग मिल के कैसे इस चीज़ को अनवील करते हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग टू वॉच फॉर द व्यूअर्स। व्यूअर्स से कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? व्यूअर्स के लिए वही मैसेज है दैट वी लव यू एंड कीप लविंग अस, कीप वॉचिंग अस। अभी हमारा शो का टाइमिंग चेंज हो गया है, 7 बजे से 6:30 बजे का स्लॉट हो गया है कलर्स पे। देखते रहिए, उतना ही प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।